कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के गंज बासुदा नगर पहुंचने पर कई कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। जगदीश सुहाने जिला महामंत्री कई कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर पहुंचे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए नगर से होते हुए पुराने बस स्टैंड में सभा स्थल पहुंचे, जहां जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी अरुण यादव एवं कांग्रेस जनों ने आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं गोमाता और गौशालाओं को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने आम जनता और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश का विकास होगा और सरकार की हर योजना का लाभ आम जनता को देने का भरोसा दिया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। दिखाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस जिले की पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे और मध्यप्रदेश में सरकार बनाने में अपना सहयोग करेंगे। पिछले 12 दिनों से हम लोग बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और ऐतिहासिक जन समर्थन मिला। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना किया, लेकिन 18 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता और मंत्री संतरियों ने राजनीतिक और जन सेवा का पूरा उद्देश्य को बदल कर रख दिया है। कभी आपने सुना था क्या? मैंने तो पहली बार सुना है। आदरणीय, मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या अनुमान है इस बार सरकार में आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आनी चाहिए। मिशन 150 है। क्या कारण है कि पूरे विदिशा जिले में कोई भी महिला जो है टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर रही है कांग्रेस से? बिल्कुल स्वागत है और बहुत सारी बहनें लाइन में हैं, कुछ तो मेरे आगे आजू बाजू बैठी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं हो रही? जो मेरे बगल में हमारी बहन बैठी है, ये खुद ही उम्मीदवार है, टिकदारती है, सबका स्वागत है। हमारी बहनों के लिए आरक्षण देने वाली ही कांग्रेस पार्टी, ये बात अलग है, भाजपा से वाह वाह लूट रहे हैं, ये योजना ही कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। ओबीसी को 27% आरक्षण हमने दिया और मुझे गर्व है। ये ओबीसी की बात जरूर करते, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं, बाबूलाल गौर जी आ गए, इनके पहले उमा भारती जी थी, तो तीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने ओबीसी लिए क्या 27% आरक्षण हमने लागू किया था। आपको पता होना चाहिए, जब सरकार में उस आरक्षण के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर रोक लगाने का काम किया गया और आज जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी का आरक्षण यथावत होना चाहिए, ये हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी थी। सरकार में आएंगे तो 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में छूट गया था, जिन्होंने बेमानी से उसको बंद कर दिया, उसको वापस लागू करेंगे। सरकार निकाल रही है जन आक्रोश यात्रा से, बीजेपी का बहुत ही लफड़ा है इसमें। पेट्रोल की समस्या, मतलब 60 रुपए थी कांग्रेस के टाइम में, आज 120 रुपए है। और गैस सिलेंडर इनने जो वादे किए थे, मतलब 1150 का था सिलेंडर, और हमारी सरकार थी जब 450 रुपये में सिलेंडर दिया है, और इतनी महंगाई है कि ये कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कुछ भी कर लें। तीनों राज्यों में सरकार बनेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कुछ भी कर लें, कितने ही मतलब घिनौनी हरकत कर लें। और इनने प्रवेश ये लफड़ा करा है, 50% खाया है और कुछ नहीं करा है, और जनता को गुमराह कर रहे हैं, और कोई सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना जनता के लिए कर रहे हैं, 1000 की झूठे वादे कर रहे हैं, है कोई पैसा भी नहीं पहुंच रहा है 1000, आप बताओ कहीं पहुंच रहा हो? भ्रष्टाचारी से लिप्त हैं जी।
ये पूरे लिप्त हैं और ये रात दिन दलाली करते हैं ऑफिसों में जाके, इनका कोई काम नहीं। 50% दो तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं तो भगा देते हैं गरीबों को। अगर बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई योजनाओं को चला तो रही है, पर इन पर कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं करती? आंदोलन हम बहुत कर रहे हैं, आप क्या है मीडिया हमको सक्रिय करे, हम आंदोलन इतने कर रहे हैं कि भयंकर कर रहे हैं। हमारा मतलब क्या है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसमें कोई कसर नहीं कर रहे हैं। आज अरुण यादव जी आए हैं, आप देख लो आज पूरी कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी के वो सीएम आए थे उस टाइम पे 2000 आदमी थे, आज देख लो कम से कम 10,000 आदमी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।